हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी रही कल की रात? गाइस, आई एम सो सॉरी कि मुझे हंसना पड़ रहा है, बट मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। कल मैंने लाइव की थी और आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पर्सन जो भी वहां पर था। थैंक यू सो मच कि आपने लाइव ज्वाइन करी। नेक्स्ट मेरी लाइव के टाइम पे जो बड़ी यूट्यूबर हैं उन्होंने भी लाइव किया था, और उस समय तो मैंने नहीं देख पाई, बट मैंने बाद में देखा एंड आई लिटरली रियलाइज कि मैम ये आप क्या कह रहे हो, गुस्से में आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, अपनी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी बोली हुई चीज़ ही हम पे पड़ जाती है। तो आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप खुले आम जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको छोटा यूट्यूबर बोल रही हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम था जब आप भी छोटे यूट्यूबर थे। आपने जैसे खुद बोला कि 100 सब्सक्राइबर से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी है, ये वो करके। तो आप वो जो जीरो होता है ना, वो जीरो हर किसी की लाइफ में आता है। जीरो से 100, 100 से 1000 और लैक्स करोड़ जीरो से शुरू होते हैं, और हर जगह जो जीरो की वैल्यू है ना वो हमेशा होती है। नंबर्स के आगे लगने के बाद जीरो की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है, नंबर से पहले वो जीरो का जीरो ही होता है। तो मैं बस बताना चाहती हूँ कि इस तरह की गलतियाँ मत कीजिए। रही आप जो लोगों को ये कह रहे हो कि मैंने वीडियो डाउनलोड कर ली है, मैं केस फाइल करना चाहती हूँ, तो मैडम आप मुझे बताइए कि सबसे पहला केस किसके ऊपर बनना चाहिए। आप उनसे केस की बात कीजिए जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है, यानी कि जो दूसरी हरियाणा वाली जो मैडम है, आप उनके रिलेटेड बात कीजिए। इस मैटर को YT पे लेके आने वाला भी आप ही थे, इसलिए आप नहीं बोल सकते हो कि कोई आपको वो करने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, क्या बोलता है, मैं फिर से भूल गई, ठीक है। तो वीडियो पे क्या हो रहा है कि करेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, बॉडी शेमिंग की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही है, लीगल चीज़ें करने की धमकियाँ दी जा रही है। किस लेवल तक ये सही है आप मुझे खुद बताइए, किस लेवल तक ये सही होगा। किस लेवल तक आप इसको सही समझ सकते हैं, आप पहले मुझे ये बताइए। आप जो कर रही हो क्या वो उस चीज़ सही है जो आप कर रही हैं? अभी तक मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में सोच रही थी, थोड़ा बहुत मैं श्रुति मैडम के बारे में भी सोच रही थी, बट आप जो इस तरीके से गुस्से में आके आप जो चीज़ें बोल रहे हो ना, वो लिटरली आपके जो वैल्यू है ना उसको डाउन कर रहा है। इस तरह की कोशिश मत कीजिए, बनी बनाई इमेज चुटकियों में ख़त्म हो जाती है, इससे आपकी इमेज ख़राब हो रही है। ये आप ठीक है, जो बनी बनाई इमेज है ये चुटकियों में ख़राब हो जाती है। इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, इमेज गिराने में बहुत कम समय लगता है। आपने कल की जो लाइव करी है, जाके नीचे आप जाके देखिए आपको कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। आपको आप बिलीव नहीं करोगे कि इस कमेंट्स की वैल्यू बहुत होती है यूट्यूबर की लाइफ में, और अगर उसे इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं तो आप खुद सोचोगे दुनिया के बारे में क्या सोचती है क्या नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं फिर भी आपको बताऊँगी जो पॉइंट है, या ये जो पॉइंट्स आप लेकर आए हो, सबसे पहले वीडियो आप ही की तरफ से आई थी। अगर आप दुनिया को ये नहीं बताते तो रत्ती भर दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को एक चीज़ भी पता नहीं लगती जब तक आप नहीं बताते। पहली वीडियो आप लेकर आए, आप लोगों ने उनको अपनी वीडियो में दिखाया है, दो तीन वीडियोज़ में आपने उन लोगों को दिखाया है ना, एक्स्ट्रा 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 करके आपने ही उनको लोगों के सामने आप लेकर आए हो, उनको डिफेम करने की कोशिश करी है। तो पहला केस तो वो आप पे करेंगे क्योंकि आप उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं करते यार, आप क्यों लेकर आए इस चीज़ को, और आज आपकी वो वीडियो 2.5 लाख व्यूज़ पर पहुंच गई है मैडम, 2.5 लाख व्यूज़ पर पहुंच गई है। किसी को डिफेम करके आपने 2.5 लाख व्यूज़ कमा लिए हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये मैटर यहाँ पर रुक जाए, तो आप अपने वो वीडियो वहाँ से प्राइवेट कर दीजिए या फिर रिमूव कर दीजिए। मैटर अभी भी संभल सकता है, उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए। जो भी आपने वीडियो उस लेडी के रिलेटेड डाली है उसे रिमूव कर दीजिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, बाकी जो यूट्यूबर्स होंगे वो भी यहाँ पर रुक जाएंगे, आगे कोई और वीडियो नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं आएगी आगे से, वो लोग अपनी जो वीडियो वो प्राइवेट कर देंगे। और रही बात एक और ये कि यूट्यूब ने सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूबर्स को और बाहर की जनता जो उनको बिना सब्सक्राइब किए हुए भी देखती है, व्यूअर्स बोलेंगे उनको,
उनको एक राइट दिया हुआ है कि अगर आपको कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती है या आपको लगता है कि किसी का करेक्टर असैसिनेशन हुआ है, आई एम सो सॉरी, करेक्टर को उछाला गया है या किसी का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, किसी की पिक्चर लगाई गई है या फिर किसी की बॉडी शेमिंग की गई है, तो आपको यूट्यूब एक राइट देता है कि आप उस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। जिसके बारे में बात की गई है उसको मेन राइट होता है कि वो स्ट्राइक दे सकता है, अपनी उस वीडियो को वहाँ से हटा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बात ना बढ़े तो आप इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं वीडियोस को, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए YT पे, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसको स्ट्राइक दे सकते हो। अपने अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत मत कीजिए। अगर आप एक बड़े यूट्यूबर हो तो अपनी इमेज को भी बना के रखिए। रही बात है कि मुझे लोग कह रहे हैं कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो आप मुझे बात बताइए मैडम, सर, मैडम, वट एवर, हुम एवर यू आर, अगर मैं व्यूज़ के लिए करती ना तो शायद मेरी ये 10वीं या 15वीं जो है वीडियो होती, और मैं जो हरियाणा की मैडम है श्रुति जी को उनका प्लेटफॉर्म खोलने की मौका नहीं देती। मैं उनको अपने चैनल पर लेकर आती और उनको बोलती कि आपको जो बोलना है मेरे चैनल पर आके बोलो, और आप लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के आते, 10-10, 15-15 हज़ार की व्यूज़ मुझे हर वीडियो में मिल जाते अगर मुझे व्यूज़ लेने होते तो। मैं उनको चैनल बनाने के लिए नहीं बोलती, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। अगर मैंने उनके बिहाफ पे बोला है तो मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वो जो बोले अपने प्लेटफॉर्म पे बोले, अपने मुंह से बोले, अपने फ़ोटो में बोले, या जो भी बोले खुद से बोले, उनकी भाषा कोई और बोल के ना सुनाए, ठीक है। तो आप मुझे ये मत बोलिए कि मैंने व्यूज़ के लिए किया है, व्यूज़ के लिए बोलती तो सबसे पहले मैं बाकी लोगों की तरह इस बड़ी यूट्यूबर के फेवर पर वीडियो बनाती, 5-10 हज़ार का व्यू ले लेती, फिर जाके अकल आने का नाटक करती और फिर दूसरी वीडियो बनाती श्रुति मैडम की बिहाफ पे, फिर वहाँ व्यू लेती, फिर मैडम की रिकॉर्डिंग सुनाती अपने चैनल पे, उनका जो भी उनके जो भी वो कहना चाहती है वो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखती। लेकिन मेरी हर वीडियो पे मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने किसी की पिक्चर यूज़ नहीं करी है, मैंने किसी का ऐसे कोई चीज़ नहीं करी है कि सामने वाले को कोई ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ पर्पस था कि एक एज अ इंसानियत के नाते मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, और जिस भी लेडी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये बात यूट्यूब पे हो रही है और यूट्यूब पे एक बार जो चीज़ बाहर आ जाती है उसे सारी दुनिया देखती है, ठीक है। अगर आपकी अगर बड़ी यूट्यूबर की 2.5 लाख लोगों ने वीडियो देख लिए तो उस 2.5 लाख में से कम 1 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो श्रुति मैडम की बिहाफ पे होंगे, और कुछ 1.5 लाख लोग होंगे जो आपके बिहाफ पे होंगे। तो सबका यार, अगर किसी का चैनल है या तो वो अपने चैनल पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, क्योंकि अभी पब्लिक मैटर हो गया है, और पब्लिक मैटर किए भी किसने हैं वो आप सबको पता है, किसने सबसे पहले इस पॉइंट को आगे लेकर आए हैं। रेस्ट दुनिया समझदार है, चीज़ों का फ़ायदा मैं उठाने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। और अभी भी कहूँगी, श्रुति जी, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। आप स्ट्राइक दे सकती हैं ऐसी वीडियोज़ को जो आपकी बिहाफ पे बन रही हैं, वो वीडियो विद इन 24 आवर्स वहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप बात नहीं बढ़ाना चाहती हैं तो आप ये काम कर सकती हैं, और बाकी जो आपको देखने वाले लोग हैं या जो उन मैडम को देखने वाले लोग हैं वो भी अपना अधिकार का फ़ायदा उठा सकते हैं। गलत फ़ायदा नहीं उठाना, सही फ़ायदा उठाना है, जो सही लगता है उसे कीजिए, सही का साथ दीजिए, बस इतना चाहूँगी। क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती रही तो आगे आने वाले टाइम पे बिल्कुल सेम सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है या किसी भी यूट्यूबर के साथ में हो सकती है जो आज हाथ पैर मार के अपने आप को यूट्यूबर बनाने में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके साथ भी चीज़ें हो सकती है और चीज़ें बिगड़ती देर नहीं लगती। बस मेरा यही कहने का मतलब है, रेस्ट ये है कि प्लीज़ अपनी इमेज ख़राब मत कीजिए, बड़े यूट्यूबर को बोलने की कोशिश करूँगी, अपनी इमेज मत ख़राब कीजिए, जो भी सच है सामने आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बाहर ये कोर्ट में ही अगर ये लड़ाई लड़नी है तो YT से इस मैटर को बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो सारे वीडियोज़ हटा दीजिए, YT में आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आपको जो सॉर्ट आउट करना है आप YT से बाहर कीजिए, अपने पर्सनल उसमें कीजिए। अगर आप YT में इस टॉपिक को लेकर आओगे तो यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन, नहीं कर पाओगे आप। YT से इस मैटर को ऑफ कर दीजिए, ज़रूरत ही नहीं है आपको 1 हफ्ता या 3 महीने का वेट करने के लिए, ठीक है। जो आपने टाइमिंग दी है कि 1 हफ्ता लग जाएगा, 3 महीने लग जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने मैटर को बंद कीजिए YT से, सब
जो वीडियोस हैं उन सबको प्राइवेट कर दीजिए या हटा दीजिए, जो आपको करना है वो आपकी मर्जी, आपका चैनल आप खुद कर सकते हो। आगे से फिर श्रुति भी अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाएगी, हो सकता है वो वहाँ से बैक ऑफ कर जाए। मतलब मैं ये नहीं, मैं श्रुति के हिसाब से कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। रिसेंट मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही है, लेट मी क्लियर यू एवरीथिंग। तो बस यही कहना चाहूँगी, इस टॉपिक को वाइटी से हटा दीजिए, सबका मुँह शांत हो जाएगा। आप इस लीगल एक्शन को, जो भी आप कह रहे हैं लीगल एक्शन ले लिया है, URL दे दूंगी, फोटो दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, तो ये सब चीज़ आप वाइटी से बाहर कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। बाय बाय।